देखो हिम्मत मत हारना, रमेश तुम्हें रिसीव करने आ जाएगा, वो सब संभालेगा, तुम लोग घबराना मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। कल आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच थोड़ी चल रहा था भाई, एकदम कल तो एकदम मार्वल का नया मूवी चल रहा था, एकदम थ्रिलर मैच, टाइट एकदम, पूरा सिचुएशन टाइट एकदम। वाओ क्या फिल्म है, ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। लग रहा है पिछले 10 दिन में जो बोरियत हुआ है मैच में, हाँ? उसका भाई एकदम पूरा मेंटेन करके चला गया है मैच भाई, क्या ही मैच हुआ है, एकदम थ्रिल मैच, जो ना देखा होगा वो पछताएगा। कल के मैच में भाई सीएसके की तरफ से एक ही चीज अच्छा हुआ जो कि है सीएसके टॉस जीत गया, बस उसके अलावा ना अच्छा बॉलिंग हुआ, ना अच्छा बैटिंग हुआ, ना अच्छा फील्डिंग हुआ। बात तो सही है। अगर हम लोग फील्डिंग की बात करें तो भाई कोहली भाई का कल फील्डिंग में अलग ही एग्रेशन चल रहा था, लग रहा था कोहली भाई अगर सामने कोई इंसान खड़ा हो उनके छाती पीट दे, ऐसा एग्रेशन एकदम दिखा रहे। अगर कल यश दयाल का सेकंड बॉल पर भी छक्का पिटा जाता एमएस धोनी से, तो भाई जरूर यश दयाल का छाती पिटा जाता विराट कोहली से, क्योंकि फर्स्ट बॉल पे सिक्स खाया तो ऐसा लुक ही दिया था एकदम विराट कोहली, यश दयाल भाई एकदम डर गया होगा, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेगा तो। पर मानना पड़ेगा भाई क्या ही एकदम कमबैक किया भाई आरसीबी ने, आरसीबी भाई वो बैक बेंचर है जो एग्जाम के भाई जो एक नाइट पहले जो पढ़ते है ना वो एकदम पढ़ता है और एग्जाम में टॉप। बात तो सही है। जैसे कि इस प्ले ऑफ में भी भाई हो गया है वो क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए सीएसके को पीछे छोड़कर, ये शिवम दुबे पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ऐसे फालतू के मैच में तो खूब मारेगा, जब रन बनाने को रहेगा तो आरसीबी के साथ लॉयल हो जाता है। बताओ यार वैसे कैसे इम्पैक्ट प्लेयर है, इसे अच्छा तो समीर रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर मिलाते हैं, वो अच्छा खेल लेता है। चुप कर बे कुत्ते। जब बीच में फैफ डुप्लेसी आउट हुए तब भाई एकदम ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा फिक्सर फिक्सर का, लेकिन दिल से बताना भाई या ऐसे ही फैन के हिसाब से मत बताना, दिल से बताना वो आउट था या नहीं था, पैर गलत था या नहीं, कमेंट में बताना। और पता नहीं भाई सीएसके के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो प्लेयर पूरे साल एकदम फॉर्म में नहीं रहा इस आईपीएल में वो प्लेयर सीएसके के खिलाफ ही भाई चल गया, मैक्सवेल हमारे और कैमरून ग्रीन। प्रैंक हो गया आपके साथ। कैमरून ग्रीन से मजाल है, पहले सिक्स लग जाता था, एक दो ही सिक्स मारता था, लेकिन कल क्या सिक्स मारा है उड़ते उड़ते, और ये मैक्सवेल ये भी इस मैच में चलने लगा। खैर छोड़ो इसमें हम लोग कर भी कह सकते हैं, लास्ट ओवर में भाई जड्डू भाई के पास फिर वही सिचुएशन आ गया था लास्ट साल आईपीएल फाइनल वाला, जो कि 2 बॉल में 10 रन चाहिए था और ये में भी लास्ट 2 बॉल में 10 रन चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए सीएसके को, लेकिन जडेजा ने इस बार कहा मेरा मूड नहीं है। क्यों हिला डाला ना, हर बार भाई जडेजा थोड़ी जिताता रहेगा, तो ये शार्दुल ठाकुर है इसको तो बैटिंग भाई सुधारना चाहिए, मैं तो एकदम कंफर्म हूँ इसको बैटिंग थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छा से, इसको मतलब बहुत बार देखे हैं जब मेन टाइम आता है तभी इसका बैटिंग आता है और खराब खेल कर जाता है भाई, आपको याद ही होगा वो फाइनल मुंबई इंडियंस से 19-20 में था जो 1 रन से जीत गया था, उस समय भी शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग कर रहे थे, इनको बैटिंग में अभी और सुधारना चाहिए यार, इनका बैटिंग मिलता है तो सीएसके थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर जो भी कहो भाई यश दयाल को एकदम तारीफ करना होगा, क्या ही एकदम बॉलिंग किया बंदा लास्ट ओवर में, वो भी माई भाई के साथ आउट किया और उस ओवर में भाई सिर्फ 7 रन ही दिया बंदा और मैच भी जीता है आपने और क्वालिफाई करने से सीएसके को रोक भी लिया। समझ रहे हो क्या कमबैक है रिंकू सिंह के धुलैया के बाद यश दयाल का, रिंकू सिंह भी भाई स्टोरी लगाए थे आप लोग देखो क्या लगाए थे, बस भाई इतना थ्रिल था कल के मैच में, लास्ट सेकंड बॉल तक पता नहीं चला कि यह मैच किधर जाने वाला है, तो बहुत ही अच्छा मैच था, आप लोगों ने अगर लाइव देखा होगा तो भाई बहुत ही अच्छा, और जो नहीं देखा हो निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी भाई। कल विराट कोहली का फेस देख के भाई पता चल रहा था कि आरसीबी ये क्वालिफिकेशन एकदम डिजर्व करता है यार, क्या ही मस्त खेला है, फेस देखते एकदम विराट कोहली का इमोशनल फेस हो गया था उनका प्ले ऑफ में जाने के बाद। और मेरे को तो भाई बस अब एक ही चीज से डर लग रहा है जो कि था एमएस धोनी के रिटायरमेंट भाई, कभी भी अगर अनाउंस कर दें तो बहुत ही खराब लगेगा यार, 1 साल और खेल लेते यार, सुरेश रैना भी यही कह रहे हैं, बाकी सब कमेंटेटर भी यही कह रहे थे कि 1 साल और खेल लेते, 110 मीटर में भाई छक्का मारे अभी तरीमन दम है, 1 साल और भाई खेल लेते, लेकिन डर भी लग रहा है कि ऐसा ना कि कहीं अनाउंस कर दे अभी रिटायरमेंट। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।